अयोध्या पर एक नई किताब सामने है आई है जिसे पूर्व आईपीएस अफसर किशोर कुणाल ने लिखा है और उनका दावा है कि सघन रिसर्च के बाद किताब लिखी गई है किताब में दावा किया गया है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद जैसी कोई जगह नहीं थी और वहां पर कोई मंदिर नहीं तुड़वाया गया था किशोर कुणाल से बातचीत की है हमारे संवाददाता राकेश पंडित ने देश के फैजाबाद में बसी अयोध्या नगरी हर भारतीय की जुबान पर रहती है सबसे प्रमुख वजह रही है अयोध्या मंदिर का विवाद मंदिर और मस्जिद के विवाद से कई बार माहौल गर्म भी हुआ कई राजनीतिक पार्टियों ने इसे मुद्दा भी बनाया इतिहासकारों ने इस पर कई किताबें लिखीं कई तथ्य सामने आए लेकिन एक बार फिर से इस पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो चौंका देने वाले हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी किशोर कुड़ाल जी हमारे साथ हैं उन्होंने किताब लिखी है अयोध्या री इस किताब में कई ऐसे दावे किए गए हैं जो विशेष भी हैं और हैरान करने वाले भी हैं हम इनसे बात करेंगे किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ए न्यूज में आपने ये पुस्तक लिखी है अयोध्या रिविस्टेड सात पन्नों की यह किताब है सबसे पहला सवाल आपसे कि इसको लिखने का प्रयोजन क्या था आपके प्रयोजन ये है कि मल्लीनाथ की भाषा में कहूँ तो दुर्व्य उन्होंने लिखा है कालिदास के साहित्य के बारे में भारतीय कालिदास से दुर्व्याख्या विषय मूर्छित है तो अयोध्या का जो इतिहास है वो दुर्व्याख्या के विश्व से मूर्छित है अभी तो मैंने उसको संजीवनी प्राप्त करके सही इतिहास अयोध्या का सही इतिहास लिखने का प्रयत्न किया है ताकि दर्पण की तरह सच्चाई झलक सके आपने इस किताब को लिखने में किन तथ्यों का इस्तेमाल किया कहाँ से ये सोर्सेस आए संक्षेप में कहूँ कि दुनिया में जो कुछ अयोध्या पर लिखा गया है सब इस किताब में उसका समावेश किया गया है महाभारत की शैली में कहूँ तो जो यहाँ पर है वो अन्यत्र भी मिलेगा जो यहाँ नहीं है अन्यत्र कहीं नहीं है इसलिए साहब सभी स्रोतों का समावेश किया गया है इस पुस्तक में ऐसा क्या खास है जो लोगों को एक अलग सोच देगा या उनकी सोच को बदलेगा क्या कुछ खास है इस पुस्तक में पहली बात है कि अब तक वहाँ पर कोई मंदिर था या नहीं इसका बहुत कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था था लेकिन उतना कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था मैंने चार धर्म ग्रंथों से या संस्कृत ग्रंथों से बाहर के वृतांत से यह साबित किया है कि वहाँ पर मंदिर था और जहाँ राम लला जी विराजमान हैं वो राम जन्मभूमि थी उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने में बाबर की कोई भूमिका नहीं थी बाबर कभी अयोध्या गए नहीं और बाबर एक बहुत उदार सम्राट थे जिन्होंने हिंदुस्तान में कोई मंदिर तोड़ा नहीं अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के साथ अन्याय करते हुए उनको बाहर चबूतरे पर कर दिया और वो अंदर केवल नमाज़ की प्रथा रखी और जो मंदिर के अंदर पहले शिला लेख थे दो लेख थे वे दोनों फर्जी थे उन्हीं शिलालेखों के आधार पर यह कहा जाता था कि बाबर के आदेश से इसने मीर बाकी ने जो मस्जिद बनाई वह फर्जी लेख के आधार पर अब तक लोग इतिहास पढ़ते रहे पढ़ाते रहे किशोर जी का जो उद्देश्य है वो ये है कि सौहार्द कायम हो तनाव खत्म हो अब तक जितनी भी किताबें आई जितने भी तथ्य सामने आए उनसे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ा तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा हुई अब हम उम्मीद करते हैं कि किशोर जी की इस पुस्तक से लोगों में एक बार फिर से समरसता आएगी और लोग तमाम तरह के मतभेदों को बुलाकर फिर एक छत के नीचे बैठेंगे कैमरा पर्सन नीरज के साथ राकेश पंडित एपीएन नोएडा